दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज एक खास विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ खुश हूं और सुरक्षित हूं। लेकिन ऐसा आज से 6 महीने पहले शुरुआत जब हुई थी कोरोना की, जिस विपदा में हम सिर्फ अपना देश ही नहीं पूरा जग पीड़ित है, तब शायद हमें एहसास नहीं होगा कि क्या चीज है जिसका हमें गौर करना चाहिए था और जिसकी समझ हमें पहले से ही अगर होती तो हम शायद ज्यादा अच्छे से लड़ सकते थे। खैर, 6 महीने पहले यदि मैं आपसे पूछता कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में, तो आपके जवाब क्या होते? ये एक छोटा सा सवाल है, बड़ा सरल सवाल है। क्या आप कहीं लिख सकते हैं या अपने जहन में रख सकते हैं? अगर आपने लिख लिया हो या आपने जहन में सोच लिया है तो मैं आपसे ये सवाल के जवाब चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में क्या है? यदि आपने दौलत, खुशी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संबंध और शांति इस विषय में सोचा है तो मेरे ख्याल से आप सही सोच रहे हैं। लेकिन 6 महीने पहले ये सवालों के जवाब हुआ करते थे। आज जब दौर और समय बदला तो शायद आपके जवाब अब प्रायोरिटी में ये नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना जब आ गया है तो उसमें हेल्थ और सेफ्टी यानी आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा नंबर 1 और नंबर 2 स्पॉट पे है, जबकि इससे पहले वह तीसरे और चौथे स्थान पर हुआ करते थे। तो समय बदला, हालात बदले और हालात में हमारी समझ भी बदली। हमारी समझ ये कहती है कि आज स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए सबसे अनिवार्य है, सबसे टॉप प्रायोरिटी है। और इन दोनों से मिलता जुलता एक शब्द है जो मेरे जहन में आता है, जो आज का विषय है, और वो विषय है हाइजीन यानी स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षा नहीं, वह है स्वच्छता। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता आज का विषय है और मैं मनीष नायर, स्किल इन्फ्लुएंसर, आप सबका स्वागत करता हूं आज के पाठ्यक्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं हाइजीन यानी स्वच्छता। जी हाँ, स्वच्छता को समझते हैं दोस्तों। स्वच्छता एक कंडीशन है, एक हालात है, एक ऐसे हालात जिसमें आप अपने स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं ताकि आपको बीमारी ना आए। और वो कैसे करते हैं? स्वच्छता द्वारा। स्वच्छता ये एक आम चीज है यदि हमें बीमारी नहीं हो और हम अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, तो कोई प्रकार की बीमारी हमारे तक नहीं पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, हम सबको मालूम है कि हम सब ह्यूमन बीइंग सबसे लार्जेस्ट कैरियर है जर्म्स के, पैरासाइट्स के। और वो भी हम किस तरह से कैरी करते हैं? हमारे जितने भी एक्सपोज पार्ट है, जो हम कपड़े पहनते हैं, हमारे हाथ बाहर होते हैं, हमारा चेहरा, हमारे नाखून, हमारे सिर के बाल, पैरों का हिस्सा, जो भी हिस्सा जो एक्सपोज होता है एनवायरमेंट के लिए, सनलाइट में, ये जर्म्स के लिए या पैरासाइट्स के लिए बड़ा कंड्यूसिव होता है। यानी बहुत आसानी से ये आके वहां बैठ सकते हैं और उनके जितने भी बढ़ने की चीज होती है ये बहुत आसानी से वहां बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जर्म्स के लिए ह्यूमन बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी में स्किन होता है। स्किन जो आपकी स्किन की ऊपर की सतह है ये बहुत वल्नरेबल हो जाती है, प्रोन हो जाती है जर्म्स और पैरासाइट्स के लिए। और इसी कारण आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। स्किन की सतह में होते हैं जर्म्स और तमाम वो जगह जो बॉडी की ओपनिंग्स कहलाते हैं, जैसे कि आपके आंख, कान, नाक, मुंह वगैरह वगैरह। जी हाँ दोस्तों, ये एक कॉन्सेप्ट है हाइजीन का या स्वास्थ्य का, जिससे या स्वच्छता का, जिससे आप समझ पाए कि स्वच्छता यदि होती है तो क्या होती है, आपको स्वस्थ रखने का, बीमारी से दूर रहने का। और ह्यूमन बॉडी सबसे लार्जेस्ट कैरियर है
और स्किन एक उसमें सबसे अभिन्न अंग है आपके शरीर का, जहां पर ये तमाम जर्म्स और पैरासाइट बैठते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं और आपके डिजीज का कारण बनते हैं। आइए आगे बढ़ के समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। हम सब जानते हैं, एक आम उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम सड़क पे जाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। यदि हम गाड़ी कुछ इस तरह ट्रैफिक रूल्स का ठीक से ख्याल ना रखे और ट्रैफिक रूल्स के को बाईपास करते हुए हमने गाड़ी किसी को भिड़ा दी, मान लीजिए जैसे हम अगर गाड़ी आड़ा टेढ़ा चलाकर किसी से भिंडित होंगे, ठीक वैसे ही है ये पर्सनल हाइजीन, जिसका मतलब यह है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके घर वाले, आसपास के लोग स्वस्थ रहेंगे। आप शुरुआत खुद से करें तो आपका घर करेगा, आपका घर करेगा तो समाज करेगा, और समाज करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ये पूरा देश करेगा। तो पर्सनल हाइजीन एक ऐसा विषय है जो सिर्फ आपके लिए ही बेनिफिट या बेनिफिशियल साबित नहीं होता है, जबकि तमाम वो लोग जो आपसे जुड़े हैं वो सबसे स्वच्छता रख के, आपका पर्सनल हाइजीन रख के ये आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। ये हो गया पर्सनल हाइजीन। आइए चलते हैं अगले विषय में, करते हैं वॉशरूम। सबसे पहली चीज है जहां पर हम अपने आप को देखते हैं और पेट की सफाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हम सबसे निवांत काम या पहला काम जो करते हैं वो है टॉयलेट जाना या रेस्ट रूम जाना, वॉशरूम जाना। वॉशरूम में जब जाते हैं हम और अपने आप को क्लीन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम वॉश बेसिन के सामने खड़े हैं, हमने साबुन का इस्तेमाल किया और हैंड वॉश का इस्तेमाल किया बेसिन में, लेकिन हमने टॉवल जो यूज कर रहे हैं वो सभी परिवार यूज करते हैं, इसीलिए आज अनिवार्य है कि हम अपने टॉवल को का भी साफ ध्यान रखें, उसकी सफाई का ध्यान रखें, और यदि टॉवल की जगह हम टिश्यू को बदल दें तो शायद ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि टिश्यू का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं आप। आप टॉयलेट जाएं और हैंड वॉश करें, साबुन से हाथ साफ करें और साफ इस तरह करें ताकि आप एक टिश्यू का इस्तेमाल कर पाएं और वो टिश्यू को आप वैसे ही डस्टबिन में डाल दें, ताकि आपके पास में वो जगह ना रहे, वो टॉवल ना रहे जो गीला पड़ा रहा हो और जिसको सफाई की जरूरत हो हर बार, ताकि आपका हाइजीन मेंटेन हो। इसीलिए मैंने कहा है इस टिश्यू एन इश्यू नाउ डेज, आई थिंक यू डोंट नीड एनी टॉवल, आई थिंक टिश्यू इज द नीड ऑफ द आवर। तो ये बात अगर आप समझ गए तो हम दूसरे कार्य पे चलते हैं। दूसरा कार्य ये है जो हम अपने आप का ख्याल करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, जिसे हम शावर हाइजीन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शावर हाइजीन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे शरीर में रोज कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, ऑयल सिक्रीशन होते हैं और हमारी जो सुपरफिशियल स्किन है यानी ऊपरी सतह जो होती है हमारे स्किन की, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, वो रोज हमारे शरीर को छोड़ती है और वह बहुत बड़ा कारण होती है पैरासाइट्स की, जहां पर वो उस पे थ्राइव करते हैं, वो उसी पे अपना भोजन देखते हैं और वहीं से वो मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए शरीर का साफ करना या नहाना ये हमारा नित्य क्रिया रोज होनी चाहिए और कम से कम एक बार तो होनी चाहिए। इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए रोज सुबह हमें साबुन से नहाना चाहिए और साबुन का नित्य उपयोग करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहे। ये सबसे पहला कार्य जो हम करते हैं अपने शरीर के लिए, हमको शावर करना चाहिए। और इसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है आपके घर में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप और अपने आप को साफ रख सकते हैं शावर हाइजीन के तहत। नेल हाइजीन, जी हाँ दोस्तों, हम बड़े आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि हमारे नेल्स बहुत बड़ा कारण है हमारे डिजीज का, हमारे बीमारी का। और वो कैसे कि हम अगर हमारे नेल्स को साफ ना रखे, मान लीजिए आपके नेल्स जो आप पीछे की तरफ देख पाते हैं, जितना हिस्सा लाल होता है उसके ऊपर में एक सफेद हिस्सा आने लगता है जो नेल्स का बढ़ना कहलाता है, वो हिस्सा यदि आप नियमित रूप से काटते रहे तो आपका नेल हाइजीन ये हमेशा बरकरार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये आपको साफ कह दूं कि जितने भी वो हिस्से होते हैं
जो नाखून के नीचे के होते हैं, जहां पर जर्म्स इकट्ठा होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके खाने के जरिए आपके पेट तक पहुंचते हैं और आप बीमार पड़ते हैं। यदि आप नियमित रूप से अपने नेल्स को काटते रहे तो मेरा मानना है कि आपका नेल हाइजीन बना रहेगा और उसकी वजह से आप बीमारी से दूर रहेंगे। ये हो गया नेल हाइजीन। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने तीन विषय में बात किया है वैसे ही ये भी है, कितनी अच्छी होती है मुस्कुराहट, और कहीं आपके वो खूबसूरत दांत और मसूड़े दोनों दिखाई देते हैं, इतना खुल के आपको मुस्कुराना चाहिए। लेकिन जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, आपके दांत और मसूड़े दोनों दिखाई दे रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों स्वस्थ रहने चाहिए? दोनों को स्वस्थ रहने का सिर्फ एक कारण है, और वो जरिया ये है कि आप अपने दांत को नियमित रूप से 2 बार कम से कम ब्रश जरूर करें। सुबह की शुरुआत आप ब्रश से करते हैं, ये सही है, लेकिन जैसे ही आप सो रहे हैं, सोने से पहले यदि आप वापस से ब्रश करके सोए, तो तमाम वो सारे दिन जो भी आपने खाया हो, पिया हो और दांतों में स्टेन लगे हो, वो सब साफ हो जाएंगे। और मेरी नानी अक्सर कहा करती थी कि आपके दांत अच्छे हैं तो आपके आंत अच्छे हैं, यानी आपकी बीमारी की शुरुआत अगर दांत से हो रही है, मसूड़ों से हो रही है और ओरल हाइजीन से हो रही है, तो आई एम श्योर कि आपका पेट वह भी बिगड़ेगा, और कहीं ना कहीं पेट बिगड़ेगा तो वो कई बीमारियों को जन्म देगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात खास, जैसे मैंने दांतों के विषय में कहा कि वो आप साफ सफाई रखना चाहिए, वैसे ही मैं आपके मसूड़ों के बारे में कहूंगा कि आप या तो रात को सोने से पहले अपने मसूड़ों का मसाज करें, ताकि वो मसाज से आपके रक्तचाप जो मसूड़ों में है वो अच्छे हो, और अगर वो अच्छे हो, फ्री फ्लोइंग हो, स्मूथ हो, तो आपको मसूड़ों की वजह से दुर्गंध, सांसों की दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके दांत और मसूड़ों के विषय में टीथ हाइजीन। चलिए अगले विषय को। ओह, ये क्या है, स्टमक हाइजीन, ऐसा कुछ होता है? जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपके आपको कहा पिछले स्लाइड में कि यदि आपके दांत अच्छे हैं तो आपकी आंत अच्छी है, आंत यानी स्टमक। जी हाँ दोस्तों, स्टमक हाइजीन हम आमतौर पर इसे कैसे समझे, मान लीजिए 100% जो आपका स्टमक है, यदि आप भूखे हैं और आप खाना खा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप 75% ही अपना पेट भरे, यानी कुछ हिस्सा, जो 25% हिस्सा है आपके पेट का, वह कम से कम पानी, गैस और वो तमाम गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो बाइल सिक्रीट करता है और आपके मेटाबॉलिज्म, आपके डाइजेशन में काम आती है, मेरे ख्याल से उसके लिए वो 25% जगह हमेशा छोड़ देना चाहिए, ताकि आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो और उस पाचन की वजह से आपको कोई बीमारी ना हो। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे हम आम बीमारी है, आम लोगों की आम शिकायतें हैं। आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो, डाइजेशन अच्छा हो, इसीलिए पानी, गैस्ट्रिक जूसेस और वो खाना जो आप खाते हैं उसकी मात्रा बराबर रहे, ताकि आपका स्टमक हाइजीन बरकरार रहे। मैं आप तक ये साइंटिफिक बात, वैज्ञानिक बात आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि रिसर्च कहता है कि आपकी स्टमक अगर अच्छी है तो आप वैसे ही आप बहुत सारे बीमारियों से दूर है। अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो मैं अगला विषय आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये है स्लीप हाइजीन। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद ये लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट है, मगर ये उतनी ही सच्चाई है कि बहुत सारे लोग ठीक से सो नहीं पाते, और उसके कारण बहुत सारे होंगे। हम 24 घंटे में से 18 घंटे फिजिकली और मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं, वर्कड अप रहते हैं, हमारे पास बहुत कुछ सोचने को और करने को होता है, इससे चलते हम काफी थक जाते हैं शरीर से और दिमाग से भी। 8 घंटे वो होते हैं जिसे हमें अपने शरीर को रिफ्रेश करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, रिक्यूपरेट करने के लिए देना चाहिए, और वह है नींद से प्राप्त होता है, वह नींद से ही प्राप्त होता है। इसीलिए 7 या 8 घंटे जब आप सो रहे हैं तो आपको वन सिंगल स्ट्रेच स्लीप, यानी जिसे डेड स्लीप कहते हैं, या जैसे मृत अवस्था में इंसान लेटा होता है, सोया होता है, ठीक वैसी अवस्था हमें निद्रा क्रिया करते हुए होनी चाहिए। मेरा मानना है कि यदि आप
सात से आठ घंटा सोते हैं तो आप सोएं कैसे, इसका भी एक साइकिल है, एक फॉर्मेट है, एक मेथड है। आप जब भी सोएं कोशिश करें कि आप करवट सोएं, चाहे वो दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो। यदि आप सीधे सोते हैं तो आप सीधा अपने सीलिंग को फेस कर रहे होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके पेट या चेस्ट पर आपके हाथ ना हो, किसी भी प्रकार का भार ना हो, ताकि आपको वो निद्रा मिले जो आप चाहते हैं, ताकि आप सुबह जब उठें तो आपको फ्रेश फील हो और आप तमाम अपने नित्य क्रिया जो करते हैं, आपके काम पर जाना और व्यस्त रहना, 18 घंटे अपने आप को व्यस्त रखना, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो नींद एक हाइजीन है जिसे आपने पहचानना है, और यदि आप आज आज जान गए हैं तो कृपया इससे बरतें और अपने उपयोग में लाएं, अपने दिनचर्या में लाएं। सिकनेस हाइजीन, जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर जब हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो हम उसका देखभाल करते हैं, उसे बड़े प्यार से पुचकार करके हम उसकी देखरेख करते हैं, उसको तमाम चीज देते हैं, और इसमें ये भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण हमारे किसी एक फैमिली मेंबर का बीमार पड़ना दूसरों का भी कारण बन सकता है बीमारी फैलाने का। तो जब भी आप कोई परिवार सदस्य आपका बीमार हो, कृपा करें उसके साथ प्यार जरूर रखें, लेकिन उस प्यार को एक नियम से बांधे, और वो नियम ये है कि उसका बेड, उसका बेडशीट हमेशा उसको अलग दीजिए, उसकी साफ सफाई रखें, एक टॉवल रखें उसके पास जिसका वो यूज करें, उसको हमेशा साफ रखें, एक बर्तन दीजिएगा, एक ग्लास रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वो थोड़े से आइसोलेटेड रहें, ताकि इन्फ्लुएंजा, कफ या फिर ये तमाम जो वाटर बोन और एयर बोन डिजीज है, जो हवा से होती है या फिर पानी से होती है, वो दूसरे सदस्य को ना हो। ऐसा आप करेंगे तो आप बीमारी दूसरों को, परिवार के दूसरे जनों को नहीं पहुंचा पाएंगे, और इस वजह से आप ये सिकनेस हाइजीन यानी बीमारी वाली जो हाइजीन बरतनी चाहिए आपको, वो उसका पालन आप कर पाएंगे। हैंड्स हाइजीन, जी हाँ दोस्तों, हैंडशेक जो चित्र में बताता है, अब तो ये शायद दुर्लभ दिखाई देगा क्योंकि अब हिंदुस्तानी नमस्कार ये फैशन में आने वाला है और आ भी गया है, क्यों ना हो। लेकिन हैंड्स हाइजीन यानी हैंड वॉश हाइजीन, मेरा मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप हैंड को सात तरीके से वॉश कीजिएगा। अब वो सात तरीके कौन से हैं? सबसे पहले तो आप अपने हाथों को गीला कर लें, साबुन या हैंड वॉश उसे आप रब कर लें अपने पाम में। पाम सबसे पहला हिस्सा है, यानी वो हिस्सा जो आपके उंगलियों के अंदर का है, आपके थंब के अंदर का है, और वो एरिया जो सन से एक्सपोज नहीं है, यानी सूरज से एक्सपोज नहीं है, वो उस एरिया में सबसे पहले आप रब कर ले अपना ये साबुन या हैंड वॉश। दूसरा, वो जो आपकी उंगली है जो पाम से जुड़ी हुई है, उसे रब कर ले। उसके बाद में उसके पीछे का हिस्सा है, पाम के पीछे का हिस्सा, वो जो डार्क साइड है और उनकी उंगलियां, ये चौथा हिस्सा हो गया। पांचवा हिस्सा वो जो उंगलियों के बीच का है। छठवा हिस्सा आपके थंब के आसपास का है, आपके अंगूठे के आसपास का है, उसे गोल तरह से मरोड़ लीजिए, सभी उंगलियों को मरोड़ लीजिए। और सातवा हिस्सा वो जो आपके हैंड्स के का पार्ट है, हैंड्स का पार्ट यानी आपका कलाई, जी हाँ, ये कलाई तक जाना चाहिए आपका हैंड वॉश। तो यदि आपको ये सातों चीजें मालूम पड़ गई है, हैंड वॉश इस तरीके से करना चाहिए, इस नियम का पालन कीजिए, आई एम श्योर कि आपके हैंड वॉश आपकी कोई भी प्रकार की जो बीमारी लाने वाली जितनी भी पैरासाइट है या जर्म्स है जो आप कैरी कर रहे हैं, क्योंकि हैंड्स एक्सपोज पार्ट है, वो आपको मददगार साबित करेगा कि आप पूरे जर्म्स और पैरासाइट से दूर रहें, और हैंड वॉश इस तरीके से करें। शेविंग हाइजीन, जी हाँ दोस्तों, शेविंग भी एक हाइजीन में आता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी एपिडर्मिस यानी आपकी चमड़ी का ऊपरी सतह जो है, वो हर रोज निकल रहा है, आपके शरीर को छोड़ रहा है, और आज ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आज मैं देखता हूं कि सभी लोग दाढ़ी फैशन, बियर्ड फैशन में दिख रहे हैं, दाढ़ी
ये हाइजीन नहीं है दोस्तों। अब ये डिबेटेबल है, आप इसे कुछ और कहेंगे, क्योंकि दाढ़ी जब फैशन आता है तो दाढ़ी नहीं देखी जाती, टॉडी नहीं देखी जाती, स्टड नहीं देखे जाते, फैशन फैशन बन जाता है। तो जो फैशन में है वो है, लेकिन आपको नियमित रूप से आपके बियर्ड को भी ट्रिम करते रहना पड़ेगा। लेकिन जो शेव करते हैं, आप शेविंग तो रोज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये मालूम पड़ गया कि चमड़ी का ऊपरी सतह एपिडर्मिस रोज आपके शरीर को छोड़ता है, इसलिए आपको साबुन का उपयोग करना पड़ेगा। आप शेविंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शेविंग क्रीम का इस्तेमाल अच्छा कीजिए और पूरे स्किन को मॉइस्ट कीजिए। जब आप ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लेड को नियमित रूप से वॉश करते रहिए। लेकिन जब आपका शेविंग खत्म हो जाए तो कृपया उस शेविंग ब्लेड को कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे सूखने दे, ताकि आप जब अगली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का जंग ना लगा हो और कोई भी प्रकार का जर्म्स या पैरासाइड या पैथोजेंस ऐसा कुछ भी ना हो जो कैरी फॉरवर्ड होके आपके अभी यानी आज अगर आप शेविंग करते हैं तो उसमें इस्तेमाल करने में आए। तो ये शेविंग है। और एक और चीज, आप जो ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कृपया एक ब्लेड का इस्तेमाल आप 7 दिन से ज्यादा ना करें, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। इसके अलावा आप शेविंग हाइजीन में ध्यान रखें कि आपका एक किट हो, जो किट आप इस्तेमाल करने के बाद हमेशा एक ऐसी जगह पर रखें जो सुरक्षित हो, जहां पर जर्म्स, डस्ट या किसी का हाथ ना जा पाए, कोई छू ना पाए। तो ये शेविंग हाइजीन के कुछ नियम हैं। इसके अलावा हेयर हाइजीन, जी हाँ दोस्तों, हेयर वॉश से आता है ये हेयर हाइजीन। अब मिनिमम आपको सप्ताह में एक दिन शैम्पू करना चाहिए, ये अनिवार्य है। लड़कियों के लिए बालों का जो लंबा होना, बालों का घना होना, ये ज्यादा तकलीफ देह है, इसलिए उन्हें ऑयल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नियमित रूप से ऑयल करें बालों को, और उस दिन तो डेफिनेटली आप ऑयल लगाएं जब आप शैम्पू कर रहे हैं। अब बाल अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए आपको शैम्पू भी उस प्रकार का चूज करना होगा। ये मेल्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जब भी पाउच शैम्पू का लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, टम्बलर लीजिए और उस मग में या टम्बलर में आधा हिस्सा पानी रखिए, और पाउच जो शैम्पू पाउच का जो एक तिहाई हिस्सा है वो उसमें डाल दे, उसे घोल ले, उसमें अच्छा फोम आएगा। उस झाग के साथ आप अपने हेयर्स को, अपने सर सर के बालों को अच्छी तरह से भिगो लें, और भिगो के उसमें स्कैल्प तक जाए और पूरा साफ करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप ये साफ कर रहे हैं अपने बालों को, ध्यान ये रखिएगा कि आपके बाल बड़े मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत सटली, बहुत आराम से हर सब बालों के सभी जगह को अच्छे से साफ रखें, ताकि आपका स्कैल्प साफ हो और स्कैल्प के साथ बालों की भी धुलाई अच्छी हो, जिसकी वजह से कोई जर्म्स जो बचे हो बालों में, जो पैरासाइट आप कैरी कर रहे हो, स्पेशली डैंड्रफ के एक माइक्रोब होता है पी ओवेल जिसका नाम है, तो वो आपको डैंड्रफ के शैम्पू से ही वो दूर जाएगा, आम तरह के शैम्पू से वो दूर नहीं जाता है। और डैंड्रफ एक ऐसी चीज है जो कभी जाती नहीं है, तो आपको समझना होगा कि आपके बाल का प्रकार क्या है और उसके स्वास्थ्य को देखते हुए शैम्पू का इस्तेमाल करें। लेकिन शैम्पू का इस्तेमाल करते वक्त डायरेक्ट शैम्पू ना लगाए, कोशिश करें कि आप टम्बलर का इस्तेमाल करें या मग का इस्तेमाल करें और पानी सही मात्रा में ले, ताकि शैम्पू का झाग बने और वो आपकी पूरी तरह से बालों की सफाई रखें। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि मिनिमम वंस इन अ वीक यानी सप्ताह में एक बार आप जरूर हेयर वॉश करें, और तेल लगाना ना भूले, क्योंकि तेल बालों में जब लगता है तो वो मदद करता है शैम्पू करने के बाद में वो तमाम जर्म्स है या डर्ट है या डस्ट है क्लीन करने में। तो आपके डर्ट और डस्ट जो आपके स्कैल्प या बालों में होते हैं वो बहुत बड़ा कारण होते हैं पैरासाइट कैरी करने के लिए। तो ये जर्म्स को और जितनी भी गंदगी है बालों की वो दूर करने के लिए ये नियम बरतिए। आगे बढ़ते हैं टंग हाइजीन। ओ माय गॉड, ये क्या है टंग हाइजीन, यानी आपकी जो जीभ है, जीभ का भी स्वास्थ्य होता है। जी हाँ दोस्तों, जीभ का स्वास्थ्य यानी आपकी जीभ लाल कलर की होती है तो या पिंक कलर की होती है,
तो ये पिंक कलर की जो जीप होती है आपकी, वो आपको नियमित रूप से साफ करना है। जरा भी इसमें एक सफेद कलर का कोटिंग आए, जो कि आता ही है, या तो आपके खाने के बाद, चाय पीने के बाद, जूस पीने के बाद, या किसी भी चीज का सेवन करते हैं, वो एक लेयर टंग में डेफिनेटली फॉर्म करता है। तो उस लेयर को क्लीन करने के लिए आपको नियमित रूप से आपका टंग क्लीनर, टंग स्क्रेपर जिसे कहते हैं हम, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका टंग साफ रहे। जी हाँ, सांसों की दुर्गंध में सबसे बड़ा कारण आपके टंग का भी होता है, इसलिए आप टंग को क्लीन करते रहें, और जब भी आप कुछ खाते हैं पीते हैं तो उसके बाद नियमित रूप से करते रहें, ताकि आपकी ये जो टंग का हेल्थ है वो बरकरार रहे, उसका स्वास्थ्य बरकरार रहे, और कहीं ना कहीं आपकी जो सांसों की दुर्गंधता है वो आपके टंग से जुड़ी है मेजरली, इसीलिए आप इसका ध्यान दें और इसे भी उतने ही तरह से सीरियसली लीजिए जिस सीरियसनेस के साथ आप बाकी हाइजीन को देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके दांतों का विषय में और मसूड़ों के विषय में उतना ही इम्पोर्टेंट आपका ये टंग हाइजीन है, इसे भी वैसे ही साफ रखिए, और कोशिश कीजिए कि आप पानी का सेवन बार बार करें। पानी जब आप पीते हैं तो आप पानी सिप सिप करके पिए, एक साथ ना गटकिए, क्योंकि पानी पीने का भी एक ढंग होता है, उसका हाइजीन भी मैं आपको इसी में बता रहा हूं कि पानी प्यास जब भी लगे तो एक साथ ना पिए, कहीं बैठ जाए और सिप सिप करके पीते रहें, ताकि आप ना तो ओरल हाइजीन आपका अच्छा रहेगा, जबकि आप जब पानी पी रहे हैं तो आपका एंटायर फूड पाइप वो है वो भी क्लेंजिंग होता रहेगा, वो भी साफ होता रहेगा, और सिप सिप करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, ना कि एक साथ पानी पीने के। तो आज मैंने आपको टंग हाइजीन और वाटर हाइजीन आपके बॉडी के लिए ये दोनों ही क्लब करके एक साथ बताए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बातों का, इन दोनों बातों का। आइए, ईयर हाइजीन, यानी आप जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जर्म्स का स्प्रेड होना बड़ा अनिवार्य है, यदि वो आंख, कान, नाक और मुंह के आसपास बहुत जल्दी असर करते हैं। तो ये जो आपसे मैं कह रहा था कि ईयर यानी आपके कानों की जो सफाई है, आमतौर पे आप बड्स का इस्तेमाल करते हैं, एयरबड्स, आप एयरबड्स को निकालते हैं, अपने कानों में डालते हैं, कृपया उससे समझ लीजिए कि आपने जैसे ही कानों में डाला तो दो प्रकार के वैक्स होते हैं आपके कान में, एक होता है वेट वैक्स यानी गीला, और एक होता है सूखा यानी ड्राई वैक्स। तो ये दोनों ही प्रकार के वैक्स के लिए आपसे निवेदन है कि आप कृपया अब जैसे ही बड्स को कानों में डाल दे तो उसे पुश ना करें, अंदर की तरफ ना ले जाए, वह हिस्सा जो वैक्स को, वैक्स दिखाई दे रहा है उतना हिस्सा आप साफ करें, और जैसे ही आपने एयर बड्स को जैसे ही अंदर डाला आप उसे गोल घुमाइए और अंदर की तरफ ना लेके जाइए, बस उसे गोल घुमाइए, क्योंकि वो कपास की सतह होती है, उसमें वैक्स यदि गीला हो तो वो चिपक जाता है, और गोल करने से वो इस तरह चिपक जाता है ताकि आपके कानों के जो ऊपरी हिस्सा है, जो हिस्सा दिखाई देता है जहां पर वैक्स, आसानी से निकल जाएगा बाहर, और आप अगर पुश करते हैं तो ये वैक्स पूरा का पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा, जो डायफ्राम के नजदीक जाएगा, जहां पर एक समय ऐसा आएगा कि आपको सुनाई नहीं देगा, और हो सकता है कि आप बहुत जोर से अंदर एयरबड डालें तो डायफ्राम बर्स्ट भी हो सकता है। तो कृपया इन बातों का ध्यान दें कि एयर हाइजीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नेचुरली एयर वैक्स बहुत सारे पैरासाइट्स को अंदर आने नहीं देता है, लेकिन एक्स्ट्रा वैक्स, जो सुपरफिशियल वैक्स होता है आपके कानों के बाहर जो दिखता है, उसे साफ करें। जब आप ये साफ कर रहे हैं तो इतना और ध्यान रखें कि एयर लोब यानी आपके कान के जो अंदर के हिस्सा है, वैक्स के बाहर का हिस्सा जो कानों में एक लेयर की तरफ आता है, वो लेयर के नीचे ऊपर का हिस्सा भी साफ कर लें एयरबड से, और नियमित रूप से अपने टॉवल से भी करें या टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये करने से आप अपने कानों का हाइजीन, एयर हाइजीन अच्छा रख सकते हैं। आइए आगे बेडशीट हाइजीन ये भी समझ लेते हैं। नॉर्मली दोस्तों, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आपकी स्किन एपिडर्मिस जो होती है ऊपरी सतह, वो रोज छोड़ती है आपके शरीर को, आपके शरीर का ऑयल होता है,
जो सिक्रीट करता है बॉडी से, आप कई प्रकार का डस्ट और डर्ट लेके आते हैं, आप अपने बेड पे कम से कम 7 या 8 घंटे, जैसे मैंने आपको स्लीपिंग हाइजीन में बताया था, वैसे ही है कि अगर आप 7 और 8 घंटे यदि अपने बेड पे होते हैं तो बेडशीट का हाइजीन रखना बहुत अनिवार्य है। वो कैसे रख सकते हैं आप बहुत हो गया तो 7 दिन से ज्यादा एक बेडशीट पे मत सोइएगा। और बेडशीट का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए, अभी तो बहुत सारे नेप्थलीन बॉल्स वगैरह आते हैं और बहुत सारे स्प्रे भी आते हैं, वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिसइन्फेक्टेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो परफ्यूम भी होते हैं, तो एक एरोमा रहेगा, एक डिसइन्फेक्टेंट रहेगा जो एक स्प्रे के जरिए जो आप अपने बेड पे रख सकते हैं। मगर ये इस्तेमाल आप तभी करें जब कोई बीमार हो और बहुत दिनों तक बेडशीट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। मगर कृपया करें कि ये स्थिति आए ही नहीं, ऐसी स्थिति में आप हर 7 दिन में आपकी बेडशीट बदलते रहें। ये एक ऐसा नियम है जो आपको बीमारियों से दूर रखेगा, क्योंकि ये जो आपके शरीर से जो स्किन झड़ रही है या ऑयल सिक्रीट हो रहा है या डस्ट और डर्ट जो आप इकट्ठा कर रहे हैं और बेड पे 8 घंटा रह रहे हैं, उस बेड की स्थिति समझिए कि वो भी एक कारण है बीमारी फैलाने का, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो आप आपका बेड इस्तेमाल करते हैं। हम बहुतों में से हम हमारे बेड में इस्तेमाल दूसरे भी करते हैं, हमारे माता पिता हो या हमारे बच्चे हो, अगर परिवार बड़ा हो तो हमारे अलावा कोई और भी करता है। इसीलिए ध्यान रखें कि बेडशीट हाइजीन आप इसका पालन करें। बॉडी हाइजीन, जी हाँ दोस्तों, बॉडी हाइजीन, हम नॉर्मली बॉडी हाइजीन समझने जब भी जाते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारी बॉडी जैसी भी है अच्छी है। मोस्टली हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी बॉडी जैसी अच्छी है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये ज्ञान होता है कि हमारी बॉडी भी किसी ना किसी विषय में दूसरों को तकलीफ दे रही है। ये सोशल हाइजीन के तहत आता है, इसलिए बॉडी हाइजीन को मैंने अकेले एड्रेस करने की कोशिश की है। इस विषय को मैं अकेले लेना चाहता था इसलिए क्योंकि हम बॉडी हाइजीन से हमारा मतलब है कि हम दिन रात काम करते हैं, हम स्वेट करते हैं, पर्सपिरेशन होता है, पसीना निकलता है, तो ये पसीना जो है ये भी एक बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देता है और इसी कारण एक बॉडी ऑडर या एक क्या कहते हैं शरीर की दुर्गंध वो एक होती है। हम क्योंकि जीवित है और अभी तमाम सभी लोग आपस में अगर आप देखें तो हम सभी में कोई ना कोई बॉडी ऑडर होता ही है, और इस बॉडी ऑडर को पहचानना बहुत जरूरी है कि हम इसे दूर कैसे रखें। तो नियमित रूप से आपके बॉडी हेयर्स का, स्पेशली आर्मपिट हेयर्स यानी बगल के जो बाल होते हैं, इन्हें आप नियमित रूप से साफ रखें ताकि जब घर्षण होता है और पसीना निकलता है तो ये बैक्टीरिया के साथ मिलकर वो जो दुर्गंध आती है वो इसी का कारण होती है। तो कृपया करें कि अपने बॉडी हाइजीन को हमेशा नजरअंदाज ना करें और कोशिश करें कि आप वो तमाम कॉस्मेटिक्स जो एंटी इन्फेक्टिव है, एंटीसेप्टिक है नेचर में, वो उसका इस्तेमाल जरूर करें। वो कॉस्मेटिक चीज जो आपके शरीर को हानि ना पहुंचाए उसका इस्तेमाल करें, डिओड्रेंट परफ्यूम का इस्तेमाल करें। ये आप यदि करते हैं तो आप अपने बॉडी को एक बॉडी सपोर्ट सिस्टम देते हैं बाहर से, और इसकी वजह से आप दूसरों के बीच, आप अपने जब काम पे जाते हैं तो आप सबसे कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं क्योंकि आपकी शरीर की दुर्गंध नहीं है, आप शरीर से स्वस्थ हैं क्योंकि नियमित रूप से आप शरीर को साफ सफाई रखते हैं, नहाते हैं, अपने सभी हाइजीन का ठीक तरह से पालन करते हैं, चाहे फिर वो ओरल हाइजीन हो या फिर हेयर हाइजीन हो, हैंड हाइजीन हो या फिर टीथ हाइजीन हो या नेल हाइजीन हो, ये तमाम रूप से आप जो बॉडी का कॉन्फिडेंस आता है, इसके अलावा आप वो तमाम चीजों का ध्यान रखें जो मैंने बॉडी हाइजीन में बताया है, ताकि आप एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छी पर्सनालिटी साबित हो। सोशल हाइजीन, जी हाँ दोस्तों, आज ये सोशल हाइजीन से सोशल डिस्टेंसिंग आपको याद आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आमतौर पे ये कभी ध्यान से समझ नहीं पाते, नजरअंदाज कर लेते हैं कि हम कितनों के बीच रहते हैं और हम सब
अलग अलग बॉडी टाइप्स हैं, हम सब अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, हम सब अलग अलग तरह से प्रोन हैं, हमारी बीमारी की जो वल्नरेबिलिटी है, हम बहुत कोई बहुत आसानी से बीमार पड़ जाता है और किसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन जो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है उसमें किसी ना किसी बात की कमी है। जब हम सोशली मिक्सअप होते हैं ये तमाम लोगों से, तब हमें मालूम नहीं होता है। इसीलिए जैसे मैं कहता हूं चैरिटी बिगन्स एट होम, डिसिप्लिन बिगन्स एट होम, वैसे ही ये जो सोशल हाइजीन है ये इंडिविजुअल यानी हर एक का एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे। लोगों के बीच जब जाते हैं तो एक एक जो डिस्टेंस है वो हमेशा कायम रखे, बहुत नजदीक ना जाए, और छींके तो दिशा बदले, लोगों की तरफ कभी छींकना नहीं चाहिए। छींकते हैं तो कोशिश करें आप हमेशा अपने हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करें, जी हाँ, और कोशिश करें कि हम जब भी किसी से हैंडशेक करते हैं तो हैंडशेक अब तो खैर विषय नहीं रहेगा, नमस्कार ही करें, दूर से करें, और जब भी हम बात कर रहे हैं तो बड़े धीमी गति से करें, ताकि लोगों को, और थोड़ा सा आवाज बढ़ाकर करें ताकि लोगों को वो बात सुनाई दे दूर रहकर भी, और हमें रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। सोशल हाइजीन में तमाम वो चीज आती है जिससे हम एक दूसरे को सुरक्षित रख सके, अपने आप को सुरक्षित रख के एक दूसरे को सुरक्षित रख सके, सोशल हाइजीन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप पाएंगे कि इमोशनल हाइजीन भी एक कॉन्सेप्ट है, जी हाँ, ये वैसे तो दुनिया भर में ये बहुत आम बात है, लेकिन हम तारे जमी पर ये पिक्चर का यदि उदाहरण ले तो हम ये जानते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य को इमोशनल क्वोशेंट को पहचानता है, हालांकि घर वाले भी असफल हो जाते हैं इस बच्चे का जो कैरेक्टर है इसको पहचानने में कि ये इमोशनली कैसा है, ये सीखने में थोड़ा सा धीमा होता है, लेकिन क्योंकि उसका गुरु उस दौर से गुजरा होता है तो वो जान जाता है इमोशन को और वो पहचान जाता है। लेकिन इमोशन से मेरा मतलब सिर्फ पहचानना नहीं है, इमोशन से मेरा मतलब है कि आप अपने बैंक बैलेंस में कितना पैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके इमोशनल बैंक अकाउंट कितने फुल है ये इम्पोर्टेंट है, और इमोशनल बैंक अकाउंट से मेरा मतलब है कि आप यदि दूसरों के साथ अच्छा रह सकते तो रहिएगा, यदि आपसे कोई गलती हो तो माफी जरूर मांगिएगा, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार रखिएगा, यदि आपने कोई कसम खाई है, कोई वादा किया है किसी को कुछ देने का तो उसको निभाइए, जो बात आप कहते हैं उसे आप प्रैक्टिस में भी अमल कीजिएगा, और यदि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसे भी समझाइएगा, और आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसे पूरा कीजिएगा। दोस्तों लॉयल्टी एक ऐसी चीज होती है जो आप सामने तो दिखाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप पीछे भी अगर वो लॉयल बने रहे तो शायद आपके इमोशनल बैंक अकाउंट में समृद्धि रहेगी। मैं आशा करता हूं कि आप इमोशनली अगर स्ट्रांग रहेंगे तो आप अपने निजी जिंदगी में भी, आपके बैंक अकाउंट में भी आप उतने ही समृद्ध होंगे, ऐसा मेरी प्रार्थना, ऐसी मेरे विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। आइए अगला विषय को देखते हैं, एक्सरसाइज हाइजीन। या दोस्तों नॉर्मली हम जब बीमार पड़ते हैं तब हम कितना खर्चा होता होगा, और यदि हम एक्सरसाइज करने जाए तो ये महंगा होगा, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये गलत है। दोस्तों एक्सरसाइज करना बिल्कुल महंगा नहीं होता है, तो एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए, एक एटीट्यूड बनाइए। एक गुड हैबिट फॉर्म करने के लिए हमेशा समय लगता है दोस्तों, तो गुड हैबिट को फॉर्म कर कीजिएगा, नित रूप से एक समय पे उठिएगा, जैसे आप सोने का समय आपका 7 या 8 घंटे होता है और 18 घंटे आप काम करते हैं, तो उस 7 और 8 घंटे में से आपको समय निकालना होगा कि आप कम से कम आधा घंटा तो भी नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के कई तरीके हैं, जो जिम जाना चाहता है वो जिम जाए, जो वॉक करना चाहता है वो वॉक कर ले, जो स्विमिंग करना चाहता है वो स्विमिंग कर ले, कोई योगा करना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है तो वो कर ले, और समय निकालें। एरोबिक्स भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, म्यूजिक को ऑन करें और आधा घंटा नाच ले, मेरे ख्याल से एरोबिक एक्सरसाइज आपकी वैसी हो जाएगी, आप स्वयं
ढूंढिए कि वो क्या चीज है जो आपको मजा देता है, इंटरेस्ट देता है, उससे जुड़े और एक्सरसाइज का समय निकालें, माध्यम बनाएं किसी ना किसी चीज को, जो तमाम चीज मैंने कही, और उससे एक्सरसाइज करें। जी हाँ, एक्सरसाइज से फायदे क्या? जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप करता है। यदि आप शरीर से अच्छे हैं, सुदृढ़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में आपका सेल्फ एस्टीम जो है कि मैं अच्छा हूं, मेरी मेरा बॉडी अच्छा है, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, ये जो सेल्फ एस्टीम स्टैब्लिश होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज से आता है। और एक्सरसाइज को अगर आप नियम बनाएं, एक्सरसाइज हाइजीन को यदि आप दिनचर्या में लाए, तो कितना बड़ा फायदा है आपके निजी जिंदगी में, ना कि आपके निजी जिंदगी में बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके व्यवसायिक जिंदगी में भी उतना ही लाभदायक है। तो एक्सरसाइज हाइजीन को भी समझिए और इसका पालन कीजिए, आप डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। आखिर में दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो शायद नया है और ये पहली बार छेड़ा जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इम्यूनिटी हाइजीन नाम की चीज भी है। अब लोग बीमार होते हैं तो लोग नॉर्मली क्यूरेटिव मेजर्स लेते हैं, यानी आप बीमार हुए उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए, उसके बाद आपने मेडिसिन खाई और उसके बाद आप ठीक हुए। क्यों ना ऐसा हो कि ये कोरोना या COVID-19 या इन्फ्लुएंजा या तमाम वो वायरल डिजीजेस जो होती है, हमको उससे अगर हम पहले ही तैयार हो जाए, उससे उसके ऊपर आ जाए, ना कि डिजीज हमको ओवरटेक करे, हम खुद ऐसा कर ले अपने डाइट के विषय में जिससे हम इम्यून, एनहांस्ड इम्यून हो जाए और इम्यूनिटी द्वारा हम हर वो बीमारी को नेस्तनाबूद कर दे, किल कर दे। जी हाँ, और वो कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अपना नेचुरल डाइट को सीमित रखें, आर्टिफिशियल कोई चीज ना करें, आर्टिफिशियल कोई चीज ना लें। नेचुरल डाइट से मेरा मतलब है कि आयरन रिच फूड, यानी लोह से परिपूर्ण ऐसा एक डाइट, ऐसा एक खाद्य, ऐसा एक डाइट प्रोग्राम बनाएं। और आयरन रिच जितने भी नेचुरल फूड होते हैं या फ्रूट होते हैं उसका इस्तेमाल करें। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपके लिए, डेट्स होते हैं और रेजिन्स होते हैं यानी काला अंगूर, या फिर खजूर जो होते हैं, इनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। इसका सेवन आप नियमित रूप से करते रहें। विटामिन सी, जी हाँ, विटामिन सी ये आपको नींबू से मिलता है, ऑरेंजेस से मिलता है, और इंडियन गूसबेरी यानी आंवला, जिसका सेवन आप नियमित रूप से करते रहें, तो विटामिन सी आपके बॉडी में अच्छी मात्रा में होगी जो आपको इम्यूनिटी देगी। स्प्राउट्स, जी हाँ दोस्तों, स्प्राउट्स एक्चुअली आपको अमाइनो एसिड्स देता है। स्प्राउट्स आपको अमाइनो एसिड्स देता है जो कि प्रीकर्सर होता है, यानी ये आपकी प्रोटीन बनाने में जो मददगार साबित होती है वो अमाइनो एसिड से होती है। और स्प्राउट्स यानी जो अंकुरित दालें होती है वो आपको उसका सेवन करना चाहिए। अंकुरित दालें इसका सेवन करें जिससे अमाइनो एसिड्स अच्छा होंगे आपके बॉडी में, और अमाइनो एसिड से आपकी प्रोटीन अच्छी होगी। प्रोटीन आपकी मसल पावर को बढ़ाती है और प्रोटीन की मात्रा आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत मददगार साबित होती है। जी हाँ, एक और चीज है, पपीता या फिर तरबूज, वाटरमेलन एंड पपाया सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सेवन भी कीजिए क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी पे मददगार साबित करती है। तो यदि आप समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी हाइजीन नाम की भी चीज है, जैसे कहते हैं ना कि सावधानी ही समझदारी है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लीजिए और अपने नेचुरल डाइट में आयरन, विटामिन सी, स्प्राउट्स और पापाया एंड वाटरमेलन सीड्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो इन प्रश्नों को, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर भी हम देंगे। आप अपना ख्याल रखें, हाइजीन बरकरार रखें और स्वास्थ्य की तरफ सबसे ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो आपका जग उतना ही खूबसूरत है। धन्यवाद।